Hello students, today in this video we are going to find out the rough focal length of concave mirror. So in very first activity we try to analyze the nature of a mirror just by looking at it or by touching it, and we studied that the concave part is that part which is depressed inside. आप देख सकते हो इस मिरर में ये पॉलिश्ड साइड होता है बच्चों, और ये वो पार्ट है जो अंदर थोड़ा सा रसा होता है, इसको कॉनकेव बोलते हैं, और ये हमारा कॉन्वेक्स साइड होता है. इसको हम लोगों ने स्पून के हेल्प से वो एक्टिविटी की थी, एंड दैट वाज एक्टिविटी नंबर 1 ऑफ एनसीईआरटी. नाउ स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट रफ फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉनकेव मिरर, एंड विल ट्राई टू फॉर्म अ शार्प इमेज ऑफ the trees and even the sun on the wall. And I have chosen this particular time because the light is not very bright, it is evening time, and let's see how the image is formed and how we measure its focal length. And for that we need only two things, students. One is this mirror, and the other thing will be a scale to measure the focal length. So how we measure it? Let's go to the wall and form the image and then understand it. So now let's come and go to the wall. So बच्चों, मेरे पीछे आप देख सकते हो अंधेरा अंधेरा सा लग रहा होगा, पूरा अंधेरा भी नहीं है और सन जो है सेट हो रहा है. मैं भी बहुत क्लियर नहीं हो लेकिन आपको ये समझ में आएगा. तो आइए ये हम मिरर और स्केल लेकर आते हैं इधर दीवार पर. सो बच्चों देखिए, ये है हमारी स्केल, और आप देख सकते हैं मैं मिरर को इधर लाइट जिधर से आ रही है उस साइड पे मैं फोकस कर रहा हूँ. तो यहाँ पे कुछ इमेज मुझे नहीं दिख रही है, बहुत कम दिख रहा है थोड़ा थोड़ा. बट देखिए, जैसे जैसे मैं इसको पास ले जाऊँगा, हमें इस दीवार पे आप देख सकते हैं ट्री की इमेज बन रही है. ये बिल्कुल क्लियर आप देख सकते हो दीवार पे बच्चों. जबकि दूर ले जा रहा हूँ तो अब ये धुंधला होता जा रहा है, ब्लर होता जा रहा है. ये पर्टिकुलर वो पोजीशन है जहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, आपको ट्री की इमेज दिख रही होगी. और यदि मैं और पास ले जाऊं तो फिर से ब्लर होता जा रहा है बच्चों, आप देख सकते हो, है ना. एक चीज़ और, यदि आप ध्यान से देखें इस पे, तो इस टाइम पे वो जो थोड़ा सा ऑरेंज कलर का दिख रहा है बेटा, एक्चुअल में वो ऑरेंज कलर जो है वो सन का है, जो कि ट्री के पीछे उधर वो सेट हो रहा है. वो तो पूरी तरह से हमें सन नहीं दिख रहा है, बट उस सन के ऑरेंज कलर का वो स्पॉट हमें दिख रहा है, और वो स्पॉट भी जैसे जैसे इसको हम पास लेकर जा रहे हैं बच्चों, ब्लर होता जा रहा है. पर ये जो पर्टिकुलर पोजीशन है यहाँ पे, हमें बिल्कुल क्लियर इमेज बन रही है. मैं कैमरे को थोड़ा सा और पास करता हूँ इस इमेज के, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए. आप देख सकते हो बच्चों बिल्कुल स्केल के एंड पे, और आप बिल्कुल देख सकते हैं एक जगह पे वो सन सेट होते हुए दिख रहा है, बिल्कुल छोटी सी इमेज, और ये दूर ले गया मैं. अब क्या हो रहा है बच्चों, ब्लर होने लगा है ये. अब पास ले आता हूँ और अब बिल्कुल क्लियर बन रहा है बच्चों, आप देख सकते हो. और फर्दर दूर ले जाऊँ तो अब ये ब्लर हो रहा है. अब बच्चों ये जहाँ पे भी मैंने रखा हुआ है ऑलमोस्ट 10 के पास है बेटा, 10 सेंटीमीटर के पास है. तो आप देख सकते हैं ये जहाँ पे इमेज हमारी बन रही है वो हमारा हो गया स्क्रीन साइज पोजिशन. और मैंने जिस पोजीशन पे इस मिरर को रखा हुआ है, ये मिरर का पोजीशन हो गया. सो इस मिरर से स्क्रीन तक का वो जो पोजीशन है अभी यहाँ पे, वो हमारा फोकल लेंथ हो गया बच्चों. सो द रफ फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर इज 10 सेंटीमीटर. अब बच्चों आओ हम लोग चलते हैं बोर्ड पे, और वहाँ अब हम लोग एक्टिविटी नंबर 10.4 के बारे में थोड़ा सा जानते हैं और उसको समझते हैं. तो बच्चों अभी हमने देखा कि कैसे हम लोग एक कॉनकेव मिरर का रफ फोकल लेंथ फाइंड करते हैं. और बच्चों उसमें हमने आपको इमेज फॉर्म कराई थी, जिसमें ट्री की इमेज हमने ऑप्टेन की थी, और सन सेट हो रहा था उसकी भी इमेज हमने उस पर ऑप्टेन की थी, और बहुत प्यारा सा एक इमेज बना हुआ था. बच्चों इसी को यदि आप दोपहर में करो, इफ़ यू डू इट इन द नून व्हेन द सन लाइट इज़ वेरी ब्राइट, और उस वॉल की जगह पे बच्चों यदि आप एक पेपर रखो, तो यू विल फाइंड दैट थोड़ी देर तक उस मिरर को उसी पोजीशन में रखने से, जहां पे आपका वो एक ब्राइट स्पॉट बन रहा था जो सन का होगा, सनलाइट की सारी लाइट वहां पे जहां पे आके पड़ रही होंगी, आप पाओगे
पहले थोड़ा धीरे धीरे धुआं निकलने लगेगा वहां से और उसके बाद वो जलना स्टार्ट हो जाएगा. सो फर्स्ट यू विल सी द स्मोक कमिंग आउट ऑफ द पेपर एंड देन इट विल इवेंचुअली स्टार्ट बर्निंग. और ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि जो सन से लाइट आती है वो सारी की सारी लाइट रे उस मिरर पे पड़ने के बाद उसके फोकस पे कंसंट्रेट हो जाती है. तो हमें उस A4 साइज पेपर को या जिस तरह का भी आप पेपर यूज कर सकते हो उसको इस जगह वैसे जगह पे या उतनी जगह पे या उस पोजीशन पे लाकर फिक्स करना है जहां पे उस मिरर की सारी लाइट्स वहां पे कंसंट्रेट कर होती हैं. बच्चों यहां पे आपको एक दो चीजें ध्यान रखने वाली बातें हैं. पहली चीज ये कि आप दोपहर में या जब सनलाइट बहुत ब्राइट हो तो डोंट सी लुक ऑन द सन डायरेक्टली. आप सन को डायरेक्ट मत देखिए, वो हमारे आंखों के लिए बच्चों नुकसानदायक होता है. डायरेक्ट सनलाइट हमारे आंखों को खराब कर सकती है. इवन आप मिरर में भी डायरेक्ट नहीं देखना क्योंकि मिरर में भी डायरेक्ट देखने से बच्चों वो जो लाइट रे पड़ रही है उस पर पड़ के आने के बाद वो कन्वर्ज होती है. आपको पता हो ऐसे में बहुत सारी लाइट रे आपकी आंखों में पड़ के आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है. तो ये आपको ध्यान रखना है ये एक्टिविटी करते समय कि आपको डायरेक्ट सन पे भी नहीं देखना है, आपको डायरेक्ट मिरर पे भी नहीं देखना है. और इस एक्टिविटी में हम कॉनकेव मिरर दो तरीकों से फाइंड कर सकते हैं. पहला तरीका भी बच्चों बाय ऑप्टेरिंग द शार्प ऑम इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो जो आपने इमेज देखी थी वो ट्री बहुत दूर था, है ना. तो ऐसे केस में जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होते हैं तो उनकी इमेज जो होती है कहाँ बनती है बच्चों, फोकस पे बनती है. तो हमने यही किया था, वो जो ट्री थे या जो सेटिंग सन था उसका इमेज हम लोगों ने फोकस पे ऑब्टेन किया था और एक शार्प इमेज बनी हुई थी. तो ये तो बात हुई बच्चों एक्टिविटी 10.2 की. इसके बाद हम करेंगे एक्टिविटी नंबर 2. एक्टिविटी नंबर 2 में हम लोगों को बच्चों रे डायग्राम्स ड्रॉ करना है फॉर ऑल द केसेस ऑफ कॉनकेव मिरर, फॉर ऑल द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो ये जो एक्टिविटी है बच्चों ये इसलिए हम कर रहे हैं सो दैट वी नो हाउ टू ड्रॉ द करेक्ट रे डायग्राम्स. तो मैं यहाँ पे पेज ले लिया है मैंने बच्चों A4 साइज पेपर. मैं आपको दो केसेस बनाऊंगा, बाकी आप खुद से बना सकते हैं. तो क्या तरीका है इसको थोड़ा समझते हैं बच्चों हम लोग. सबसे पहले बच्चों हम ये एक स्केल ले लेंगे, आप भी अपनी एक स्केल ले लेना. देन हमें इसके लिए एक कंपस चाहिए. कंपस में पेंसिल हमने लगा रखा है बच्चों, आप देख सकते हैं. और आप अपने इस कंपस में आपको आर्क फिल करना है. जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ये जो आर्क फिल कर रहा हूँ वो 3 सेंटीमीटर का मैं फिल कर रहा हूँ बच्चों. मैंने इसे बच्चों 3 सेंटीमीटर का आर्क फिल कर रखा है. 3 सेंटीमीटर आर्क फिल करने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि यदि मैं इससे एक सर्किल ड्रॉ करूं तो उस सर्किल का रेडियस कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और उसका डायमीटर हो जाएगा बच्चों 6 सेंटीमीटर. आप चाहो तो इसमें और बढ़ा भी सकते हैं. और उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे. यहां हम लोग ये स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ करेंगे, ठीक है बच्चों. जहां भी हमें सेंटर मार्क करना है वहां हम लोग ये एक डॉट दे देंगे एंड देन वी विल पॉइंट दिस. Yes, compass at that point and then we'll mark an arc like this. Okay? ये जो आर्क है बेटा ये उस स्फीयर का पार्ट है जिस स्फीयर से ये मिरर बना है. ये मिरर है हमारा, है ना, कौन के मिरर हम बना रहे हैं. यदि इससे मैं पूरा ऐसे बना लूं तो एक पूरा स्फीयर बन जाएगा बच्चों, है ना, एक सर्किल ये बनेगा. तो ये सर्किल हमें दिख रहा है बट यदि ये ग्लास का हॉलो स्फीयर होता तो आपको पता है उसी से कट करके बनाते हैं हम लोग, तो ये पूरा एक सर्किल बनता हमारा, है ना बच्चों. और आपको पता है ये जो मिरर मैं बनाने जा रहा हूं ये उसका सिर्फ एक पार्ट है. गुड, देखिए, ठीक है. अब मैंने इसको इस साइड से बच्चों क्या कर दिया, ये पॉलिश. ये दिखाने का मतलब होता है कि बच्चों मैंने पॉलिश कर दिया. मैंने इधर भी थोड़ा थोड़ा ये बना दिया ताकि आपको आइडिया रहे कि इस पूरे सर्किल का एक पार्ट है. इनफैक्ट सर्किल का पार्ट तो नहीं है क्योंकि मिरर तो होलोस्फीयर से बनता है. अब बच्चों हमने 3 सेंटीमीटर लिया था आपने पता है, तो ये हमारा सेंटर है आप देख सकते हैं, ये हमारा पोल हो जाएगा बच्चों आप देख सकते हैं. और अब मैं इसको मेजर करते हुए 1.5 पे यानी इनके बिल्कुल मिडिल पे एक पॉइंट लूंगा, है ना. तो इनका मिडिल होगा बच्चों 1.5 पे लाइक हियर, ओके, दिस इज 1.5. तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों फोकस, क्लियर. अब
सपोज करिए हमने ऑब्जेक्ट जो रखी है वो ऑब्जेक्ट रखा है लेट अस से बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमने ऑब्जेक्ट रखा बच्चों बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेट अस से दिस इज ए बी। अब हमने कॉन्वेंट रेज पढ़ी है बच्चों, तो कन्वीनियंट रेज पढ़ी है हमने और मैं ये कर सकता हूँ। अब हम लोगों को पता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी होती है फ्रॉम टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट। सबसे पहली कन्वीनियंट रे वही होती है कि जो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती है बच्चों। तो देखिए ये इंसिडेंट रे है, पैरेलल आई है प्रिंसिपल एक्सिस के एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, सो इट विल गो लाइक दिस। नाउ दिस इज आवर रिफ्लेक्टेड रे, गुड। नेक्स्ट बच्चों इसमें हम ये कर सकते हैं, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले सकते हैं। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर से देखिए मैं अभी लाइट रे ले रहा हूँ, टॉप से ही ले रहा हूँ, ओके। एक इस ऑब्जेक्ट के टॉप से ये पैरेलल आई थी जो रिफ्लेक्शन के बाद आप देखिए इधर गई है फोकस से पास करते हुए। एक इंसिडेंट रे ये वाली है बच्चों, देखिए जो सेंटर से आ रही है मिरर पे पड़ रही है। और आपको पता होता है बच्चों कि जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है वो इस मिरर पे नॉर्मली फॉल करती है तो वैसे ही वापस चली जाएगी, सो इट विल गो लाइक दिस, गुड। सो ये रे बेटा देखिए ऐसे आई है और ये ऐसे इंसिडेंट हुई रिफ्लेक्शन के बाद वापस गई है। तो देखिए रिफ्लेक्शन के बाद ये रे इधर जा रही है और ये ऐसे आ रही है, तो दोनों इस पॉइंट पे मिल रही है बच्चों, है ना। तो आप ध्यान देखिए ये दोनों रे कहाँ से आई है, फ्रॉम टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस पॉइंट से आई है। तो जहां पे मिली है ये बच्चों यहीं पे इस ऑब्जेक्ट का हमारा टॉप पॉइंट बनेगा। हाउ इमेजेस आर फॉर्म्ड वाले वीडियो में आपको ये समझाया था। अब हमें ये बॉटम देखना है, तो बॉटम से भी देखो बच्चों एक लाइट रे कंसीडर कर लेते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जा रही है, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जा रही है बच्चों देखो वो भी सेंटर से होते हुए पास कर रही है, तो वो भी इस मिरर पे नॉर्मली फॉल करेगी तो वो वापस ऐसे ही आ जाएगी बच्चों, है ना। तो हमारा ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है यही बेस का काम करेगा इस ऑब्जेक्ट का। तो अब इस इमेज को हम बनाना चाहें तो ऐसे बनाएंगे बच्चों, ये जो टॉप है इसका ये नीचे हो जाएगा, देखिए ये ऐसे, ओके। लेट अस से ए डैस बी डैस। तो अब आप बच्चों देख सकते हो इस डायग्राम में हमने बहुत छोटी छोटी कुछ एहतियात बरती है, कुछ प्रिकॉशंस हमने लिए हैं एंड अ वेरी नीट एंड क्लीन डायग्राम वी हैव ऑब्टेंड। तो बच्चों जब भी हम रे डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे डायग्राम बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और उसमें आपको जो ध्यान रखने वाली बातें हैं, हर एक रे आप देख सकते हो बेटा, हर एक लाइन दे आर स्ट्रेट। आई मीन वी हैव टू यूज द स्केल एट ऑल द टाइम्स बिकॉज द लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दैट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट वी आर यूजिंग, ओके। ऑल्सो इफ यू मेजर डिस्टेंसेज लाइक दिस, आई मीन इफ यू ड्रॉ दिस डायग्राम विथ हेल्प ऑफ द कंपास, बिलीव मी इट विल टेक द सेम अमाउंट ऑफ टाइम इवन इफ यू आर ड्राइंग इट बाय नॉर्मल हैंड्स, ओके, विदाउट कंपासेस। तो बच्चों ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखना। चलिए आते हैं और एक केस और हम लोग लेते हैं बेटा इसमें, ठीक है। अब मैं थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा भी लूंगा क्योंकि हमें ये बहुत ज्यादा बड़ी इमेजेस नहीं बनानी होती है, हमारा मिरर भी छोटा होता है इसलिए मैंने छोटा लिया था, बट इस बार मैं थोड़ा ज्यादा करता हूं इसको ताकि और क्लियर इमेज बने, और एक केस और बनाता हूं। और इस केस में देखो बच्चों सबसे अच्छी जो खास चीज ये होती है कि यदि आप इस तरह से मेजर करके ये यदि डायग्राम बना रहे हैं और ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए सब कुछ बना रहे हैं, तो बच्चों आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि इमेज कहां फॉर्म होगी, वो अपने आप बिल्कुल करेक्ट पोजीशन पे फॉर्म होती है। इसीलिए इसको हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं बेटा, बिकॉज इसको हम ज्योमेट्री के हेल्प से स्टडी कर सकते हैं बहुत आसानी से, गुड। सो अगेन आई विल टेक अ स्ट्रेट लाइन फर्स्ट, लेट्स से दिस इज द स्ट्रेट लाइन एंड दिस विल बी माय सेंटर, फ्रॉम हियर आई विल बी make the center of the mirror. Now let me make it 6 centimeters. So I have taken 6 centimeters in my compass and therefore now I will cut arc here. Okay. So if you take more distance means the radius of curvature of the mirror will be larger. Also focal length will be larger. और ये भी देख सकते हो बच्चों यदि आप ये डिस्टेंस ज्यादा लो, रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा लो और आप छोटा मिरर बनाओगे तो उसमें कर्व कम होता है बच्चों। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारा ये मिरर था जो हमने यूज किया था, मैं आपको उस मिरर को एक बार फिर से दिखाता हूं, तब तक होल्ड करिए थोड़ा आप।
तो बच्चों आप देख सकते हो, आप देखिए ये मैंने मिरर ऐसे रखा हुआ है ना बच्चों, और इस मिरर का यही एपर्चर है बच्चों, ये एपर्चर वाला पार्ट, जैसे यहां से यहां तक डायमीटर में मेजर कर लो या यहां से यहां तक डायमीटर मेजर कर लो, तो इतनी ही दूरी में हमारा रिफ्लेक्शन होता है बेटा, ये एपर्चर होता है। और आप देख सकते हो ये जो हमारा मिरर है बहुत ज्यादा कर्व नहीं है, अंदर धंसा हुआ है, बहुत ज्यादा धंसा हुआ है। तो इसका जो फोकल लेंथ है बेटा वो 10 सेंटीमीटर, कितना है बच्चों 10 सेंटीमीटर। यानी प्रैक्टिकली यदि मेरे को इस मिरर के लिए फोकस दिखाना हो तो वो कहाँ लाई करेगा बच्चों, यहाँ लाई करेगा इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं। और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर कहाँ होगा, उससे और ज्यादा होगा, और दूर होगा हमारे से। तो ऐसे केसेस में ये बहुत बड़े बड़े इमेजेस बनेंगे, तो नॉर्मली हम लोग अपने इस कॉपी में छोटे इमेजेस ही फॉर्म करते हैं, तो फिर भी मैंने ये बड़ा ले लिया। ये अब देखिए इसके सेंटर पे यदि हमें लेना है तो ये 6 का था बच्चों, तो हम 3 सेंटीमीटर पे, यस सो एट 3 सेंटीमीटर द फोकस विल लाई एट द 3 सेंटीमीटर। तो अब हम इनको मार्क कर लेते हैं बच्चों पॉइंट को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको ये करना होता है रे डायग्राम्स में, करेक्ट रे डायग्राम्स बनाने के लिए ये सारे पॉइंट्स आपको मार्क करने होते हैं। सो ये इधर हमने इसको पॉलिश कर दिया। अब बेटा हम केस ले लेते हैं, लेट अस से बिटवीन सेंटर एंड फोकस। तो अब मैंने यहाँ इस ऑब्जेक्ट को रख दिया है बच्चों, दिस इज द ऑब्जेक्ट ए बी, लेट अस से दिस इज ए बी। अब फिर से वही केसेस हम अप्लाई करेंगे बच्चों, पैरेलल बनाना है, वन रे विल बी टेकन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सो लेट अस से दिस इज द रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एंड वी नो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट विल पास थ्रू द फोकस, सो इट विल गो लाइक दिस। तो ये फोकस से पास करा दिया बच्चों हमने। दूसरी रे बच्चों हम लोग फोकस से ले सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज सेंटर तो देखिए इधर बन गया है, यदि ये मिरर बड़ा होता तो हम सेंटर से भी ले सकते थे, बट वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। तो ऐसे केसेस में हम कोई भी दो कन्वीनियंट ले सकते हैं बच्चों, है ना। अच्छा इवन देखो बच्चों, यदि मैं यहां से बनाता हूं तो भी ये मिरर से बाहर जा रहा है, तो वैसे तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाकर ले सकता हूं, बना सकता हूं, और नहीं करना है तो एक और भी कन्वीनियंट रे हमारे लिए है, टू टेक ऑब्लिक रे एट द पोल। तो मैं ये पोल वाला केस कंसिडर करता हूं बच्चों, ये भी आसान होता है। अब यहां पे आपको क्या करना है बच्चों, देखिए ये तो हो गया इंसिडेंट रे, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब बच्चों आप क्या करोगे, यदि आपके पास प्रोटेक्टर है जो होता ही है, तो आप लोग ये मेजर कर लेंगे एंगल, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल आप इधर मेजर कर लेंगे। अभी मेरे पास प्रोटेक्टर नहीं है बच्चों, तो मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, बट आप लोग इसको मेजर कर सकते हैं यदि आपके पास प्रोटेक्टर होगा तो। ये यस, सो दिस विल बी द केस, यस। तो ये हो गया बच्चा हमारा एंगल आर, आप देख सकते हैं। सो देखो बच्चों, ये जो हम लोगों ने पैरेलल रे कंसीडर की थी, ये पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू फोकस, एंड द लाइट रे विच इज इंसिडेंट एट द पोल इट इज गोइंग एट द सेम एंगल एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड देन दे आर मीटिंग समवेयर हियर, ये शार्प इंटरसेक्शन हो रहा है बच्चों। अब इनको हम यदि मिला दें बच्चों, तो ये इधर बनता है, ये दिस इज ए डैश बी डैश। और अभी भी देखो बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको जानबूझकर ऐसा ये किया मैंने कि इस एंगल को थोड़ा सा छोटा रखा, इससे देखे तो थोड़ा सा छोटा है, इसलिए ये यहां बन रही है, क्योंकि मैंने इसमें अप्रोक्सीमेशन कर लिया। आप ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है मेरे को पता आई और आर की, बट स्टिल वी आर गेटिंग द करेक्ट पोजिशन ऑफ द इमेज एंड करेक्ट साइज। तो आप देख सकते हैं बच्चे, हमको पता भी होता है जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होता है तो हमारी इमेज जो होती है बच्चे वो बियॉन्ड सी बनती है, और वो इन्वर्टेड होती है और वो मैग्नीफाइड होती है। तो ये है। अच्छा इस बेस के लिए भी बच्चों यहाँ से एक रे हम ले सकते हैं, और ये तो ये इसका बेस रहेगा और ये इसका टॉप। जो लाइट रे टॉप से आ रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ मिलती हैं वो हमारा टॉप पोजीशन ऑफ द इमेज होता है, और जो बेस से जा रही है लाइट रे वो वापस आएगी इसी बेस के पास हमारे लिए, तो ये बेस हो जाता है बच्चों। सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ द रे डायग्राम्स, एंड दिस इज ऑल अबाउट द एक्टिविटी नंबर 10.4। तो बच्चों अब आपने एक्टिविटी 10.2 और एक्टिविटी 10.4 किया हुआ है, और इसके पहले मैंने एक्टिविटी 10.3 भी बच्चों कैंडल वाली जो है वो कर रखी है, और वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। और आजकल थोड़ी इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है बच्चों, द रैंसम वेयर एंड द वायरस अटैक एंड व्हाट नॉट, द साइबर सिक्योरिटी इज एट
थ्रेट, सो थोड़ा सा इन चीज़ों की वजह से बहुत प्रॉब्लम है। एंड बच्चों आप भी ध्यान रखिए, थोड़ा सा एहतियात बरतिए, बिकॉज दिस पीपल दे विल स्पेयर नो वन। बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं, आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ रहे होंगे या टीवी में भी देख रहे होंगे। तो फिर भी मेरी कोशिश ये है कि मैं टाइमली वीडियोज़ अपलोड करूँ। दिस इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर आई होप वी विल ऑल बी सेफ हैप्पी एंड वी विल मीट अगेन। थैंक यू।